हेलो एवरीवन, स्वागत है 888 पोर्टल के मेडिटेशन की तैयारी के लिए। अब हम समझते हैं कि आप अपने क्रिस्टल ग्रिड को सेकंड डिग्री होल्डर्स और थर्ड डिग्री होल्डर्स या मास्टर्स कैसे इस पोर्टल की एनर्जी को फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखें इसको। मैंने पूरी ग्रिड बनाई है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपने 888 नंबर लिखना है, फिर आपने नीचे आपके जो भी रिलीजिंग, यहाँ पे आपने सिंबल करना है। ये लिस्ट है आपकी रिलीजिंग वाली, जिसको आपने ब्लैक कलर से बनाना है। इसके अंदर आपने अपनी 8 चीज़ें जो आप रिलीज करना चाहते हैं वो आपने इस पेपर पे लिख लेना है। अब ये जितने भी आप इसके अंदर ब्लैक टूरमलिन, यदि आपके पास ब्लैक टूरमलिन का इस तरह का स्टोन है, खाली एक ही है, रॉ है, तो आप इसको सेंटर में रख दें। बाकी साइड की पेंसिल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सेंटर में रखें चार्ज करके, कि जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं वो आपका रिलीज़ हो जाए। और फिर हो गया है, जब हम मेडिटेशन करेंगे तो उसका रिलीजिंग प्रोसेस आप एक एक करके पूरे मेडिटेटिव स्टेट में अपने शरीर से, अपने मन से, आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस जितने भी, क्योंकि 8 नंबर हमारा कार्मिक ब्लॉकेजेस निकालने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और अबेंडेंस, क्योंकि ये इन्फिनिटी का साइन बनाता है, तो इन्फिनिटी का अबेंडेंस भी हमारे जीवन में लेके आता है। तो इसको आपने चार्जिंग आप सभी को आती है, यदि नहीं आती है तो हम प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको एक बार फिर दोबारा समझा देंगे। चार्ज करके आपने इसको रख देना है और फिर आपने 8 दिन लगातार रिलीजिंग प्रोसेस, इसको हिलाना नहीं है, बस 8 दिन तक आपने इसको अपने मंदिर में कहीं पे भी रख देना है। और 8 दिन तक आपने लगातार रिलीजिंग मेडिटेशन करेंगे हम पहले, फिर उसके बाद ये हमारा चार्जिंग का है। चार्जिंग के लिए मतलब जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो हम लाना चाहते हैं 8 चीज़ें, सेम इसी प्रकार से आप 8 चीज़ें लिख के रख लेंगे। पेंसिल्स हैं आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, सेम आप कर सकते हो कि हर एक पेंसिल को एक आप अपने एमिथिस ले लें, एक ग्रीन एवेंजराइन ले लें, एक सिट्रिन ले लें, एक रिलेशनशिप के लिए पिंक ले लें, या फिर एक सिंगल ही ग्रीन एवेंजराइन, पिंक, कोई भी, वॉट एवर इज विद यू, आप वो लेके उसको चार्ज करके यहाँ पे सेंटर में रख सकते हैं। ग्रिड बनानी सबको आती ही होगी, जो लोग भी रेकी जानते हैं, सेकंड डिग्री होल्डर हैं, थर्ड डिग्री होल्डर हैं, और जिनको नहीं आती है वो यदि प्रैक्टिकल सेशन ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको पूरा बता दूंगी मैं कि क्या प्रोसेस होता है चार्जिंग का और ग्रिड को बनाने का। तो यहाँ पे आपने पूरी अपनी जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशन की सारी चीज़ें लिखनी है। और फिर उसके बाद हमने मेडिटेटिव स्टेट में जो हम मेडिटेशन करेंगे रेगुलरली 8 डेज तक हमें ये करना है। अब सेम आपने ऊपर लिखना है 888 और नीचे बनाने हैं सिंबल, जो भी हमारे सिंबल ग्रिड में बनते हैं। हम 888 पोर्टल की एनर्जी को अपने सिंबल्स के साथ और ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, अपनी जो हमारी मनोकामना है, जो रिलीजिंग है, और पावरफुल कर रहे हैं। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जब भी ऊर्जा ज़्यादा अच्छी, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत क्रिएटिव होती हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बहुत अच्छे बदलाव और जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस पोर्टल का हम सब फ़ायदा उठाएं, यही मकसद है आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करने का। तो जो लोग भी करना चाहते हैं इसको ज्वाइन करें, इस प्रकार से अपनी ग्रिड बनाएं। सेम वे यदि आपके पास पेंसिल्स नहीं है तो खाली आप बीच में पिरामिड रख के भी कर सकते हैं, खाली पेंसिल्स है तो इस प्रकार से चारों तरफ आप पेंसिल्स लगा के ये अपना पूरा सेशन कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों को मैंने अपनी तरह से तो बहुत स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ग्रिड बनाना, क्रिस्टल से हीलिंग अपनी 8 डेज तक, मैनिफेस्टेशन और रिलीजिंग को आप कैसे पावरफुल कर सकते हैं, आप सभी मिलके करें और सभी की हार्दिक इच्छाएं पूरी हो, ऐसी मेरी मनोकामना है आप सबके लिए। और सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और सभी की सात्विक मनोकामनाएं पूरी हों। और इस मैनिफेस्टेशन की डेज को आप चाहते हैं कि सब लोग करें, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप रेकी चैनल होने ज़रूरी हैं। यदि आप रेकी चैनल नहीं भी हैं, प्राप्त तो आप करते हैं ना, तो हमने वो पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, यूनिवर्स में हमने अपनी प्रेयर्स भेजनी है। और आप सब जानते हैं कलेक्टिव प्रेयर्स बहुत अच्छे से होती हैं, तो जो लोग भी इस मेडिटेशन सेशन को और पावरफुल बनाना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, जो मैंने आपको नंबर बताया है, या जहाँ हमारे पेज पे आता है, व्हाट्सअप करके अपना जो भी कुछ आपकी क्वेरी है पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आपके पास आएगा मेरा सिर्फ आपका मैनिफेस्टेशन रिलीजिंग का, आपका
गया होगा, आपको मिल चुका होगा। मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो आपका रह गया है, वो आपको मैं शेयर करूँगी बिफोर अर्ली मॉर्निंग 8:00 AM, क्योंकि चाहती हूँ कि सभी लोग 8:00 AM पे अपना ये मेडिटेशन स्टार्ट कर दें बिल्कुल प्योरिटी के साथ। और जिन लोगों को उस समय पॉसिबल नहीं है तो घबराएं ना, पूरे दिन में आप लोग कभी भी कर सकते हैं। एंड 8 days तक रेगुलर फॉलो करें। हाँ, अब सवाल ये कि ये जो स्लिप है, जो भी आपने स्लिप लिखी है उसका आप करेंगे क्या? एक तरीका तो ये है, रिलीजिंग वाली स्लिप को तो आपने फाड़ के यूनिवर्स में फेंक देना है, जला देना है, बर्न कर देना है या पौधे में दबा देना है, विद द इंटेंशन कि ये सारी चीज़ें मेरी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। और जो मैनिफेस्टेशन वाली है, आप मैनिफेस्टेशन वाली, ये देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, मैनिफेस्टेशन वाली आप चाहें अपने मंदिर में रख सकते हैं, चाहें आप अपने पर्स में रख सकते हैं, जहाँ पे आप आपका कैश रहता है, जहाँ पे भी आपके वैल्यूबल्स रहते हैं वहाँ भी रख सकते हैं। और एवरी पूर्णमासी, एवरी ऑस्पिशियस डे पे उनको आप अगेन एंड अगेन रिपीट करें और उसको रिचार्ज करते रहें अपने मैनिफेस्टेशन वाली को। और जो जो आपकी मनोकामना पूरी होती चली जाती है आप उसको सर्कल करके और थैंक यू बोलते रहें। हर इसके अंदर ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है, ब्लॉकेजेस निकालने के लिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को आप याद करके रेगुलरली करते रहेंगे तो वो एक हमारे जीवन का हिस्सा ही बन जाता है। जो मैंने मेडिटेशन आपको रिलीजिंग का मेडिटेशन मैंने घासू मेडिटेशन के साथ कंबाइन करके भेजा है, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और चाहती हूँ जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। और पेज पे, हमारे फेसबुक पेज पे इसको प्रमोट करने के लिए आप लोग अपने कमेंट कि आपको इससे क्या लाभ मिला, आपको कैसा लगा, ये हमारे को ही और आपको नई नई जानकारी देने के लिए मदद करता है। क्योंकि हर चीज़ हम भी बहुत प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करने के बाद ही आप तक पहुंचाते हैं, एक रैंडमली कोई भी चीज़ नहीं पहुंचाई जाती है, आपको बताया जाता है जब हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। स्पेसिफिक, तो यदि आप स्पेसिफिक हीलिंग लेते हैं तो वो पर्सनलाइज होती हैं, तो उसकी चीज़ें हम धीरे धीरे समझते हैं। इसी के साथ मिलेंगे, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देते रहें अपना प्यार, ब्लेसिंग्स। थैंक यू।